भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। कुलतनम गजेन्द्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य वागर्थाविव संप्रीतौ जगतः पितरौ वंदे श्री पार्वती परमेश्वर करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
छोटे बाल बिंदो। बड़े ही हर्ष का विषय है कि भगवान रुद्र के महती कृपा से आपके ग्राम भूमिका में रुद्र महायज्ञ का समायोजन भगवत कृपा से हो पाया है और हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब हमें ऐसे यज्ञ का, कथा का और भगवान में चरण भगवान के चरणों में अनुराग का हमें अवसर प्रदान होता है। ये भगवान की असीम कृपा है और आप लोगों के पुण्य का उदय है कि ऐसा पवित्र यज्ञ आपके ग्राम भूमिका में आदरणीय महाराज श्री मेरे पिता तुल्य हैं पंडित श्री रेणुका प्रसाद दुबे जी के निर्देशन में और उनके सुपुत्र पंडित लुकेश्वर दुबे के संरक्षण में, लक्की भाई के संरक्षण में ये कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है। और साथ साथ हम गणपत प्रसाद जी महाराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस यज्ञ का समायोजन बहुत ही उत्साह के साथ किया है और इसमें समस्त ग्रामवासियों का सहयोग तन से मन से और धन से हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि काया मन और वचन से हम भगवान की सेवा तो करते ही करते हैं। राजी भैया जब हमला अपन दान जब हम दान करथन तो हमर धन के पवित्रता हो छे। हमला अपन धन ला राजी भैया संसार में कोई वस्तु इसना नहीं है जेमे गुण और दोष नहीं हो। भगवान संसार ला जब बनीस तो गुण और दोष से संलिप्त बनीस। तो जब हमला अपन भाई धन में यदि गुण है तो उसके साथ साथ उसमें अवगुण भी है, दोष भी है। तो दोष की निवृत्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज चौपाई लिख करके कहते हैं, अरे तुम ही निवेदित भोजन करहुं और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहुं। राजी भैया जब भगवान ला हम कोई चीज ला निवेदित करके और भगवान के प्रसाद मान के धारण करथन तो फिर वो में कोई अवगुण नहीं रह जाए। ओकर जो भी दोष है, ओकर जो भी अवगुणत्व है वो दूर हो जाते और वो ला हम भगवान के प्रसाद समझ के जब धारण करथन तो हमर बर हितकारी होते। तो हमर धन में भी कहीं ना कहीं दोष है, दान दे करके जबका भी हमर से इच्छा हो सके, जबका भी हमर शक्ति है उसका दान करके हम अपन धन ला पवित्र बना सकत हन, अपन परलोक ला संवार सकत हन और अपन जीवन ला धन्य बना सकत हन। रुद्र महायज्ञ के पावन आयोजन में आज पंचम दिवस है, षष्ठम दिवस है और आप लोग यज्ञ नारायण के स्वाहाकार का आनंद ले रहे हैं। बनारस से हमारे विद्वान पंडित पहुंचे हुए हैं जो वेद की ऋचाओं का बड़े ही सांगोपांग ढंग से उदात्त अनुदात और सरुत के माध्यम से वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञ नारायण के स्वाहाकार का उच्चारण कर रहे हैं। बड़े ही आप लोग धन्यता के पात्र हैं। सकारे शोक संताप हकारे हानि रेव चा वयक्षराणि नष्टस्य आहूतिं कुत्र दीयते। एक विद्वान की ही कस भैया ते स्वाहा स्वाहा कहा था, इस वहां के हम का हित हो ही। सकारे शोक संताप, सा का उच्चारण करने से शोक और संताप मिलता है व्यक्ति को, शोक मिलते, दुख मिलते, संताप मिलते। और हकारे हानि रे उचा, और हा के उच्चारण करे से हानि होते। तो द्वय अक्षराणि नष्टस्य, दो अक्षरों के उच्चारण करने से नष्ट ही नष्ट है, सब विनाश ही विनाश है। आहूति कुत्र दिए थे, तो काहे के लिए आहूति जबरदस्ती अपन दार चाउन लते जरूरत था सागिन डार डार के। इसे सुपति है वो जबरन का मतलब है, अतका कंजो तिली घेओ और चावल और दुनिया भर के औषधि मिला के हम स्वाहा स्वाहा कहा था। ऐसा वो पूछिस तो वो एक जन की थे भोंदू ते बरोबर जानत निया स्वाहा शब्द के मतलब का होते, तोल पता नहीं है, सुन के हिस। सकारे सर्व संपत्ति हकारे हरि रेवचा वयक्षराणि वृद्धिश्च आहूतिं यत्र दीयते।
सकारे सर्व संपत्ति ही, सकार का उच्चारण करने से संसार की जितनी भी संपत्ति है वो हमें प्राप्त हो जाती है, और हकारे हरि रेवचा, और हा का उच्चारण करने से हरि की प्राप्ति होती है। भगवान हरि हमारे जीवन में आकर के कृपा करते हैं, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग होता है। द्वयक्षराणि वृद्धिश्च, दो अक्षरों के स्वाहाकार के उच्चारण से वृद्धि ही वृद्धि है, इसलिए आहुति आहुतिम यत्र दीयते, इसलिए यहाँ पर आहुति दी जाती है। और यज्ञ में तो पांच चीज का होना बहुत आवश्यक है, देवानाम द्रव्य हविखाम ऋगसाम यजुसाम तथा ऋत्विजाम दक्षिणानाम चा संयोगो यज्ञ उच्यते। देवानाम, हम नाना प्रकार के वेदी बना करके, षोडश मातृका, सर्वतो भद्र, लिंगतो भद्र, सब बना करके वहां देवताओं का आवाहन करते हैं। देवानाम, जहां सब देवता विराजमान हो, द्रव्य हविखाम, हवनी द्रव्य के माध्यम से जहां स्वाहाकार हो, ये घी, जौ, तिल, चावल और जो भी औषधियां हैं हम मिला करके जब स्वाहाकार करते हैं तो उसका भी समायोजन यज्ञ में होना चाहिए, द्रव्यों का। देवानाम द्रव्य हविखाम ऋक साम यजुसाम तथा ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। यहाँ पर पंडित जी लोग यथावत ऋग्वेद वेद का, यजुर्वेद का और सामवेद का उच्चारण कर रहे हैं। तीन चीज हो गए, देवता मन के वेदी बने हैं, दूसरिया चीज हो गए हम हवनी द्रव्य के माध्यम से हवन करत हन, तीसरिया चीज हो गए वेद मंत्र मन के उच्चारण। ऋत्विजाम और ऋत्विज, ऋत्विज याने हमारे जो विद्वान पंडित हैं, जो स्नातक हैं, सांगो पांग वेद का अध्ययन करके यहाँ आकर के बनारस से और हमारे छत्तीसगढ़ के भी विद्वान यहाँ उपस्थिति प्रदान करके अपनी सेवा भगवान यज्ञ नारायण को प्रदान कर रहे हैं। तो ऋत्विजाम, जहां विद्वान पंडित हो, दक्षिणा नाम चा, और आखिरी दक्षिणा नहीं देवे नहीं, एमन की थे कई जन मन का महाराज बीच बीच में खाली दक्षिणा ला चढ़वा था 11 रुपया चढ़ाओ, खाली वो कई जन मन की थे भाई तुम बीच बीच में दक्षिणा काबर चढ़वा तो महाराज, अरे कोनो तोर घर में सगा आया है बोल खवाबे पियाबे 10-11 रुपया देवे तब वो खुश हो। भगवानों के सगा रूप में बोला आगच्छन्तु सुरश्रेष्ठा भवनत्व तीर्थराशमे यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तिष्ठन्तु सन्निधौ, भगवान ला बोला बैठा रहे है अब बोला दक्षिणा नहीं देवे तब कैसे काम जे नहीं बने नहीं महाराज हो गई भगवान दूसरैया मावे नहीं करे नहीं करी ये तमरे आपे सुधारा महाराज हो रागी भैया देकर से थी दक्षिणा नाम चा, और दक्षिणा संयोगो यज्ञ उच्यते, इसके संयोग को ही यज्ञ कहा जाता है। बहुत व्याख्या है यज्ञ की, ये न सदनुष्ठाने न इंद्र प्रभृतियों देवा सुप्रसन्ना सुवृष्टि कुर्युस्तद यज्ञ पदाधिधेयम्, जिस सदनुष्ठान से इंद्र आदि प्रभृत देव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के सुंदर वर्षा करते हैं इसी को यज्ञ कहा जाता है। भगवान कन्हैया गीता में कहते हैं अन्नात भवंति भूतानि परजन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञात भवंति भूतानि, यज्ञ से ही अन्नात भवंति भूतानि, अन्न से ही प्राणी होते हैं, जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर ठीक से चलता है। तो अन्नात भवंति भूतानि परजन्याद अन्न संभवः, और जब वर्षा हो ही तब अन्न मिल ही, और यज्ञात भवति परजन्यो, और जब हम यज्ञ करबो स्वाहा स्वाहा करके देवता मल्ला तृप्त कर देबो ओ न हवन करबो ई बने महाराज इसमें बाद में सब बाढ़ गई झगड़ा बाढ़ गई ता शांति शांति चला चला हमारे पूज्य गुरुदेव संत कवि पवन दीवान जी के एक सुंदर से लाइन है, जब शांति मंत्र गाते हैं तब हम होते हैं केवल भारत, जब कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है हो जाते हैं महाभारत। हमारे गुरुदेव की पंक्तियां हैं, हमारे महाराज जी के गुरुदेव हैं, ब्रह्मलीन हो चुके हैं और आज भी उनकी स्मृतियां हमारे छत्तीसगढ़ के जनमानस में बनी हुई है। ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में प्रणाम, सभी प्रो को प्रणाम करता हूं और आप सबके चरणारविंद में भी भगवत भाव से प्रणाम निवेदित करता हूँ। और कुछ एक डेढ़ आज उसने सीठा सीठा तो बहुत नमक कम है समझ जाओ साग में चला लू। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल चरण कमल बलिहारी रघुनाथ तू
के जाओ। महाभारत यह चरित या पारा और नर मुख जेहि पाव ही नहीं पारा और जे फल एकादशी व्रत कीन्हा और जे फल दान सहस गौरीन्हा और जे फल रण मह प्राण गवाए और ते फल कथा के सुनहि सुनाए। क्षत्रिय सुनत सुमार्गलह मानुष ज्ञान प्रकाश और सबल सिंह चौहान कही और पावे परम पदवास। राजी भैया जऊं फलहा एकादशी व्रत करे से मिलते जऊं फलहा हजार गाय के दान करे से मिलते जऊं फलहा भूमि के दान करे से मिलते और जऊं फलहा रण में प्राण गवाए से मिलते। राजी भैया तौने फल ये महाभारत कथा के सुने और सुनाए से मिलते। राजा जन्मेजय के प्रति अगा महामुनि बैसा महाभारत के नाम से जानेगी वैसम पायन हर का। राजी भैया वैसम पायन जी के बात ला सुन के राजा जन्मे जाए किठे कस महरा। एक ठन प्रश्न है मोर मन में घेरी मेरी उठे का प्रश्न बाबू। अरे ये क्यों वंश जन्म दौली महाराज में ये जानना चाहता हूँ दोनों जन के जन्म एक वंश में हुई तो कारण कवन महाभारत की ना। एक वंश में जन्म ले के बाद में दोनों के बीच में महाभारत काबर मार गए महाराज।
राजा जन्मे जय के बात ला सुन के वैष्णव पायन जी की थे बेटा। ए दुनिया में दो बात है राजी तकर से पियला दुनिया की थे और दो बात मेरे किसने ही तैला एकनिया की दे दिस। कैसे दो ठन है, रात है त दिन है, गुण है त दोष है, स्वर्ग है त नरक है, राग है त विराग है, पाप है त पुण्य है और रागी है त भजन है। ऐसे बात नहीं है, भजन है तो रागी है, आगी है तो पानी है, भजन है तो रागी है, चाहे रागी है भजन है, एक ही बात है। एक ही धक्का लै से धर बेटा, सो धर बेटा, हां घर ही काने छा। रागी भैया महाराज दोनों जने के कुल में जन्म धरी और ये के कुल में जन्म धरे बाद दोनों बीच में महाभारत का बन। राजा जन्मे जय के बात ला सुन के महामुनि वैष्णव पायन जी कहि बेटा, एक तरफ दैवी वृत्ति है तो एक तरफ आसुरी वृत्ति है, एक तरफ सात्विक प्रवृत्ति है तो एक तरफ तामसी प्रवृत्ति है, एक तरफ भगवान के चरण में अनुराग है तो एक तरफ ईर्षा उद्देश्य है। पांडव मन भगवान के चरण में अनुराग करते राजी भैया ये सबेला अपन जीव के समान जानते, लेकिन राजा दुर्योधन पांडव के बढ़तीला देखना नहीं चाहे। पांडव को नाना प्रकार का कष्ट पहुंचाते हैं, मांगे वो पांच गांव नहीं दिन्हा। एक ताला घुमार देते जगम नहीं पहुंचे रहे अपन घुमा फिरा के जेले लगी आज करतालो नहीं है तबलाओ वाले नहीं है फिर संभाले बेचारा एक रोबर ताली बजा दे एक
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजी भैया, राजा जन्मे जय के इसना प्रश्न, राजा दुर्योधन हा पांडव मन के बढ़ती ला देख नहीं सकत रही हाँ। तेकर सेती पांडव मन ला मारे खातिर बर नाना प्रकार के उपाय दुर्योधन हा करे हुए है पीसकर हाँ। भोजन भी खावा वही तो बंधन करके गंगा बहा वही अब हत लोक पाताल सीधावा तब यहे रमती सन ब्याह रचावा औ शंकर सन तब कराही लड़ाई पाताल लोक में घमासान युद्ध महावली भीमसेन भगवान शंकर के साथ नाम ब्री को तेरे एक साल के बाद पातालपुरी ले निकल करके महाबली भीम से गदा ना धर के अमर लगे वरुण नाम के नगर में लाख ही तेरे अरे भाई लाख ही तेरे Yeah.
परिक्रमा कर ले यानी तुझे नमन कर सकूं, मेरे हाथों में इतनी शक्ति देना कि श्रद्धा के सुमन चुनकर आपके चरणों में चढ़ा सकूं। हे प्रभु ऐसा मन देना जो आपके श्री चरणों में लगा रहे। मैं 100 साल जीऊं या 50 साल ये तुम्हारी मर्जी है, मेरी अर्जी तो यही है कि जब तक जीऊं आपके श्री चरणों में मेरा मन लगा रहे। ऐसे भाव के साथ में 2 मिनट पहले बोलिए कि नारायण भगवान की जय। हरि ओम। ओम यज्ञे न यज्ञमाय जंत देवास्ताने धर्माहि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रय प्रपूर्वे प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ मयं तत्पर्यायै सर्वभौमः सर्वायुशान्तात्तापरार्धात्कृतिव्यये समुद्रपयन्ताय एकराडिते तदप्येषश्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविच्छितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्दिका बकुलजं पगपाटलाब्जये पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसे तलमञ्जरे वे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण जगदेश्वर गृहाण जगदेश्वर। पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। उमापति महादेव की जय। ओम हर 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 महादेव शंभो। सभी लोग यज्ञ नारायण की अधिकाधिक संख्या में आए इष्ट मित्रों के साथ में और यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करें। एक सूचना और है, यज्ञ का कुंड भरना चाहिए ऐसा वैदिक संतों ने कहा है और यहाँ पर कंडा की कुछ कमी है,
इसलिए जो माताएं बहन सज्जन वृंद यहाँ दान करना चाहते हैं तो दान करें कंडा का छेना का ताकि यज्ञ कुंड पूरा भर सके। इसलिए आप लकड़ी हो समिधा हो, समिधा हम आप लोगों को बता सब दोषों का समन होता है। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार तो लाखों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो मेरे भोले बाबा से जहां होता कभी इनकार नहीं। संत पवन दीवान जी महाराज के पंचम पुण्य स्मृति में यह यज्ञ का आयोजन है। भोलेनाथ भगवान अपने शरीर में राख लपेटते हैं और वो भी श्मशान घाट का राख। और यही बात दीवान जी महाराज भी कहते हैं कि जीवन मुट्ठी भर राख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि जीवन राख हो जाए हम अपने जीवन को खरा बना लें। इससे पहले कि हमारी जीवन मुट्ठी भर राख से ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। यज्ञ नारायण भगवान, रुद्र नारायण भगवान आप सभी भक्तजनों की कामना पूर्ण करें। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्व संतु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम। शांति है, शांति है, शांति है।